नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मार्केट को लेकर अक्सर नए नए प्रस्ताव, नए सिरे से नए अंदाज लेटर थाने महानगर पालिका के तरफ से हम सब और आप सब के बीच आता रहा है। मार्केट के टाइम टेबल को लेकर जैसे कि सभी को पता है, कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में चल रहा है और उसके बाद मार्केट की बात या अन्य चीजों की तो आपको पूरा पता ही है। और इसी बीच अब कल से रमजान आ जाएगा और इस रमजान के महीने में लोग सुबह 3 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान रोजा रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सहरी की सामग्री कैसे मिलेगी और शाम में अफतारी की सामग्री कब और कहां मिलेगी और क्या टाइमिंग होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज मुंब्रा के डायमंड हॉल में आज दोपहर मीटिंग किया गया, जिसमें मुंब्रा कौसा के नगर सेवक, पुलिस डिपार्टमेंट, टीएमसी के अधिकारी और तमाम लोग मौजूद थे। गल्ला गल्ला मध्ये जे मार्केट चोरी सुपर मार्केट लागतं ते लागणार नाही। त्यामुळे आपण जी म्हणजे महत्त्वाची जी गोष्ट आहे सोशल डिस्टन्सिंग, कोरोनापासून वाचण्याकरता हे सगळं चाललेलं आहे। आणि टायमिंग टायमिंग जर आपण म्हणतोय की हे टायमिंग पाहिजे ते टायमिंग पाहिजे, सगळ्यांना सगळ्यांच्या मनासारखं टायमिंग मिळत नाही, मिळणार नाही। कारण ओव्हरऑल आपण सगळं, मी सकाळी 5 वाजता झोपतोय, 2 वाजता उठतोय, म्हणून मला 3 वाजेपर्यंत टायमिंग पाहिजे। कोण म्हणेल नाही साहेब मी तो सुबह 8 बजे जाग जाता हूँ, 9 बजे जाके मैं लेके आऊंगा, म्हणून मला 9 वाजेपर्यंत काही हरकत नाही आहे। मी सकाळी 10 वाजता झोपते, दुपारी 5 वाजता उठतोय, मला 5 वाजता पाहिजे। एक लक्षात घ्या, आपण या कोरोना संक्रमणापासून वाचण्याकरता म्हणून इथं जमलेलो आहोत, आपल्या सोयी सुविधांकरता आणि प्रत्येकाला सोयीचं होणं आणि तसं मला पाहिजे याच्यासाठी नाही। त्यामुळे सकाळचं टायमिंग वेगळं, दुपारचं वेगळं द्या, संध्याकाळचं वेगळं द्या। असं करायला लागेल, प्रत्येक सोसायटीत जाऊन विचारायला लागेल, बाबा तुमची सोसायटी किती वाजता झोपते, किती वाजता उठते आणि मग तुम्हाला किती वाजता शक्य होणार आहे, हे शक्य होत नाही। त्यामुळे सगळ्यांनी एक लक्षात घ्या, जे टायमिंग ठरणार आहे ते सगळ्यांनी आपल्याला पाळायला लागणार आहे। राजूभाईंनी पण सांगितलं, ठीक आहे, राजूभाईंचं म्हणणं बरोबर आहे, सब डेअरी प्रॉडक्ट आहे, दूध आहे, शाम्य नहीं रहेगा, काही हरकत नाही आहे। लेकिन अपने को ये देखने का अभी साहब ने बोला था 25 तारीख से अपना थर्ड स्टेज चालू हो रहा है, तो अपने को बचने का है, आपको भी बचने का, हमें भी बचने का है। हम सब कर रहे हो, आपको मुंब्रा वासियों के लिए कर रहे हैं, वैसे हमारे लिए भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो पास के लिए वॉलंटियर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे वॉलंटियर्स, 10 ग्रुप में से मुझे 3-3 या 4-4 तो 40 वॉलंटियर्स को मैं पास इशू करूंगा। कम्युनिटी किचन में कम्युनिटी किचन के लिए आपको जैसे 3 या 4 कम्युनिटी किचन है आपके लिए, उसके लिए 3-3 पास में इशू करूंगा। उसके अलावा अगर कोई घूमता रहेगा या कोई राशन बांटने के लिए जा रहा है, कोई किसी को मदद करने के लिए, हम नहीं अलाउ करेंगे, फिर उसके साथ हम जाति ही करेंगे, क्योंकि वो खुद अपनी जान धोखे में डाल रहे हैं और हमारी भी जगह पूरा मुंब्रा वासियों से डाल रहे हैं। ये 40 और 12 जो कुछ तुम्हारे कम्युनिटी किचन के जितने रहेंगे उतने, उनके अलावा मैं किसी को पास नहीं दूंगा, किसी को नहीं। वो 12 में भी आप नगर से उसमें, अभी अपने शानों ने मुझे बोला कि वो खड़ा होके बराबर लाइन लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। पुलिस जाती नहीं गई, मैडम ने बोला कि पुलिस को हम घबराते हैं। मुझे ऐसे लगता है, मैं 33 साल का सर्विस किया हूँ, मुंब्रा में कोई पुलिस को नहीं डरता, कोई नहीं डरता। मुंबई में डरते हैं लेकिन मुंब्रा में नहीं डरता मैडम। पानी के बारे में मैंने भूल दिया कि आयर साहब आइए, वो आपको बता देंगे। लाइट के बारे में मैंने अभी टोरंटो वालों के साथ, अभी शानू के सामने ही मैंने फोन किया, उन्होंने एक नंबर दिया है उसका, जैसे अभी शानू ने बोला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और वहाँ पे अगर आप लिख देते कि भाई फलाना फलाना जगह की लाइट गई है, तो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे उनको, उनका भी मैं नंबर शेयर करता हूँ आपको। और पुलिस से चालुका करते हुए कोई है क्या किसी, जिसमें टीएमसी पुलिस ने सभी की सुनी और समझा, जिसके बाद एसीपी ने कहा 50 पास हम इशू करेंगे, जिससे मार्केट में लगने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। उनमें से नगर सेवक भी होंगे जिसको पास दिया जाएगा।
और अब आपको बता दें कि आज मीटिंग में तय किया गया है कल से सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे तक आपको खरीदारी करने का वक्त मिलेगा। आप इसी समय पर दूध, मटन, मच्छी, सब्जियां खरीद सकते हैं। बाकी टाइम में आप सबको घर में रहकर नमाज रोजा करना है। अगर इसके बाद कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पे कार्रवाई किया जाएगा। बहरहाल कई सेवकों ने अलग अलग टाइम बताने को कहा, लेकिन प्रशासन ने कहा हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, मगर कोरोना का कहर है, इससे बचने के लिए कुछ तो तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। इस दौरान मीटिंग के बाद गोस्वामी ने फिलहाल फाइनल किया है कि 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपको सामान मिलेगा, उसके बाद आपको कोई भी सामान नहीं मिलेगा। बाकी टाइम आपको घर में ही रहना है और डिस्टेंस बनाकर रखना है। आपको बता दे, इससे पहले कुछ और नियम सामने आया था। देवा प्रभाग समिति के हद में सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन आज मुमरा में मीटिंग किया गया, अब कल से टाइम टेबल अलग होगा जो हमने आपको बताया। फिलहाल ये टाइम टेबल 15 दिनों के लिए होगा, 15 दिन के बाद कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।